रोहन। सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का दूसरा पुस्तक का अध्याय 19 पुत्र पृथ्वया पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सभी संस्कृत के नवदश पाठ को पढ़ने वाले हैं। पुत्रोहम पृथ्वीयाम, अर्थात हम सब पृथ्वी के पुत्र और पुत्रियां हैं। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन प्रकृति की गोद में ही पलता था। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, जैसे वायु, जल, जीव जंतु, स्थल और वृक्ष आदि। पशु पक्षी वृक्ष लता इत्यादि हमारे परिवार के अंग ही थे। दोनों का जीवन एक दूसरे पर आश्रित था। मानव द्वारा अपनी लालच की पूर्ति में प्रकृति का मनमाना दोहन करने से प्राकृतिक ऊर्जा दूषित और विलुप्त हो रही है और प्रकृति में असंतुलन हो रहा है। इन सबका संरक्षण प्रकृति संरक्षण कहलाता है। भारतीय संस्कृति में भूमि को माता के समान माना गया है और हम पृथ्वी के पुत्र और पुत्रियां हैं। ऐसी भावना को लेकर हम सबको चलना चाहिए, यह सिखाया गया है। इससे हम प्रकृति के प्रति जागरूक रह सकेंगे और पृथ्वी को ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने का कार्य करेंगे। संस्कृत वाङ्मय में प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता मिलती है। इस पाठ में हमने प्रकृति संरक्षण से संबंधित श्लोकों को लिया है, जो हमें वातावरण शुद्धि और प्रकृति संरक्षण की शिक्षा प्रदान करते हैं। आइए हम इनसे कुछ का अध्ययन करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्राचीन काल में जो आदि मानव होते थे, वह प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे और प्रकृति ने हमें उपहार के स्वरूप में बहुत कुछ दिया है। वायु, जल, जीव जंतु, स्थल और वृक्ष आदि, इन सब के बिना हमारा जो जीना है वह बहुत ही ज्यादा असंभव है। और जितने भी पशु पक्षी वृक्ष लता है, वह सब हमारे परिवार के ही अंग के है और हम लोग का जो जीवन है वह दूसरे पे आधारित है। और जितने भी जो मानव जाति है, वह अपनी लालच की पूर्ति के लिए प्रकृति का क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। मीन्स प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, आवश्यकता से ज्यादा प्रकृति से चीजें ले रहा है। और जितनी भी प्राकृतिक ऊर्जा है वह हमारे कारण ही दूषित हो रहा है और बहुत सारे जो जीव जंतु है वो मानवीय लालच के कारण विलुप्त हो रही है या फिर विलुप्त हो चुकी है और हमारा जो प्रकृति है वह असंतुलित हो रहा है। इसलिए हम सबों का यह धर्म है, यह कर्म है कि हम लोग प्रकृति की संरक्षण करें। और भारतीय संस्कृति में भूमि को माता माना गया है और जितने भी हम लोग हैं वह सब अपनी पृथ्वी माँ के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए हमें ऐसी भावना लेकर चलना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ साथ पूरे वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सके। और संस्कृत में ये भी कहा गया है कि जो प्रकृति के प्रति हम लोग को जागरूक रहने की जरूरत है। और इस बात में हम प्रकृति संबंधी कुछ श्लोक को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ के इस प्रकृति के बारे में जाने। प्रथमः एकांशः दश कुप्सा वापी दश वापी सीमो हृदः, दश हृद समो पुत्र दश पुत्रो समो द्रुमः। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जो 10 कुआं हैं वह किसके समान है, एक बावरी मीन्स एक तालाब के समान है। और जो 10 तालाब है वह एक जितने जो 10 बावरियां हैं वह एक तालाब के समान है और जो 10 तालाब है वह एक पुत्र के समान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो एक वृक्ष है वह 10 पुत्रों के समान महत्वपूर्ण होता है। एक वृक्ष से जितना आपको लाभ मिलता है, उतनी अगर आपके 10 पुत्र होंगे तो आपसे उनको आपको उनसे लाभ मिलेगा। जैसे एक पुत्र के भरोसे कोई भी माता पिता रह नहीं सकते। अगर कोई पुत्र है तो वो अपने माता पिता को समय आने पर कुछ परिस्थितियां में छोड़ देता है, लेकिन अगर 10 पुत्र होंगे तो कोई ना कोई पुत्र तो अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे। इसी तरह जो एक वृक्ष है वह 10 पुत्रों के बराबर है। इसलिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए और वृक्ष से केवल हम लोग को ही नहीं अपितु जो भी रास्ते में चलने वाले पथिक होते हैं उन्हें भी स्वच्छ हवा, छाया और फल मिलते हैं। इसलिए हमें पहली पंक्ति में वृक्ष के लगाने के महत्व को समझाया गया है। द्वितीय पंक्ति में क्या बोला गया? घृत क्षीर प्रदा गावो घृत योन्यो घृतोद्भवा घृतंघो
ऋतावृत्तास्ता में संतु सदा गृह है। तो दूसरी पंक्ति में गाय और घी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि ऐसी मान्यता है कि हमारे संस्कृति में कहा गया कि गाय माता के समान है और जो इनका दूध है वह तो उपयोगी है ही, साथ में इनका जो दूध से बहुत सारी वस्तुएं भी बनती हैं और पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि में जो गाय है उनका एक अलग महत्व है। साथ ही गाय में कुछ औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो वो उनका मूत्र होता है वह हमारी कई बीमारियों को दूर भगाता है। अगला पंक्ति, पुण्य पुण्य तथा गंधय धूर्पश्च विविधरपि अरोगः पुष्पितः सन्ति तस्मज्जि गृह्णन्ति पादपः। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि जो अच्छी और जो बुरी गंध होती है ना, वह धूपों के वृक्ष निरोग और पुष्पित होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो एक रसायन होता है नौसादर और एक चूना, अगर कोई पुरुष को या फिर किसी को भी सांप काट लिया है और उसे यह सुंघा दिया जाए तो उसका जो मूर्छा है जो वो बेहोश होगा, तो उससे उसका जो मूर्छा है वो खत्म हो जाएगा, मीन्स वह होश में आ जाएगा। वैसे ही जो गंध का प्रभाव होता है वो वृक्षों से ही होता है। अतः हम लोग यह कहना हम लोग के लिए गलत नहीं होगा कि जो हम लोग वृक्ष को सूंघते हैं तो वो हमारे लिए प्राणों का काम करता है। अब हम लोग वृक्ष को कैसे सूंघते हैं, तो वृक्ष से हमारे लिए ऑक्सीजन निकलता है और ऑक्सीजन तो सभी प्राणियों के लिए उपयोगी, अगर ऑक्सीजन ही ना हो तो हम लोग भी नहीं होंगे। इसलिए हमें इस पंक्ति में भी पेड़ पौधे के महत्व को ही समझाया गया है। अगली पंक्ति, उष्मत्वं म्लायते वन स्वक फलं पुष्पमेव च ग्लायते शूर्यते चापि स्पर्शस्त्र निरित्रात् विद्यत। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, जैसे गर्मी के दिन में हमारा धूप से गर्मी से चेहरा जो है वह पूरा काला पड़ जाता है, मुरझा जाता है, वैसे जो वृक्ष है उनका जो त्वचा है उनका जो छाला है और जितने भी फल पुष्प है वह सब भी मुरझा कर खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें यह सिद्ध होता है कि जो हमारी तरह जो वृक्ष भी है उनके अंदर भी प्राण है, उनके अंदर भी प्राण है, तो हमें वृक्ष को बिना मतलब का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। द्वितीय एकांश, भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तितः ते लोका प्राप्यन्ते पुंभि पादपानं प्ररोहणे। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि हम लोग भूमि दान करते हैं तो कुछ लोग गौ का भी दान करते हैं और उससे प्रशंसा को प्राप्त करते हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उसी तरह समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वृक्ष लगाते हैं और लोग उनका प्रशंसा करते हैं। आज के युग में जो पर्यावरण का संरक्षण का काम है, पर्यावरण की देखभाल का काम है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे अच्छा कोई तो काम हो ही नहीं सकता। अतः हमें पौधों को लगा के प्रशंसा के योग्य बनना चाहिए। अगली पंक्ति, नापसो मूत्रम पुरिशम वा स्थिवनम वा समुत्सृजेत अमेध्यालिप्त मन्यद्वा लोहितम वा विष्णी वा। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि अगर कोई साफ स्वच्छ कर रहा है, सफाई रख रहा है, तो इससे क्या होता है कि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। और यह बात तो हम लोग सभी जानते हैं कि स्वच्छता जो है वह हमारे लिए कितना उपयोगी है। और हम लोग सफाई के लिए प्रतिदिन क्या देखते हैं कि कोई सरकारी वाहन आता है तो वह भी कचरा लेके जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत कुछ सफाई के बारे में सब लोग अलग अलग चीजें बताते हैं और हमें इसके प्रति जागरूक करते रहते हैं कि हम लोग भी साफ सफाई रखें। लेकिन यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि जो मल मूत्र होते हैं, थूक होते हैं, ये सब कोई गंदी वस्तु नहीं है और जो रक्त है और या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं वह हमें कहीं और नहीं बहाना चाहिए, अर्थात मतलब हमें इसे पानी में नहीं बहा देना चाहिए। ये सब गंदी वस्तु नहीं है फिर भी इसे पानी में नहीं बहाना चाहिए, इससे क्या होता है जो जल है वह दूषित हो जाता है और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसका जो रोग है उसका जो संक्रमण है वो दूसरों तक फैल जाएगा। अगली पंक्ति, जीवनम सर्व प्राणीनाम जलाशय सुनिर्भरम संरक्ष्यम वर्धनीयम न जलम रक्षति रक्षिताम। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि जल पर्यावरण का प्रमुख अंग होता है, जल के बिना तो पर्यावरण का कल्पना भी नहीं किया जा सकता, इसलिए जो जल है वह समस्त प्राणियों के जीवन का आधार कहा गया है। इसलिए कहा भी गया है जल ही जीवन है और जितने भी प्राणी हैं वह नदियां तालाब
कुआं या फिर अन्य जलाशय या फिर बारिश पर वर्षा पर आश्रित है, अतः हमें उन जलाशय या फिर उन नदियों की रक्षा करनी चाहिए और उनके बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जल ही हमारा रक्षा करता है। इसलिए हमें भी जल को कभी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। और यजुर्वेद में भी कहा गया है कि जो जल है वह औषधियों का विनाश करता है, और हमें जल और औषधियों का विनाश नहीं करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। अंतिम पंक्ति, यते मध्यम पृथ्वी यच नभ्यम यास्ते उजन संत्व संभूवः तासु न धेयद्भिः न पवस्वः माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीः। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? हे पृथ्वी माँ, हे माता, जो तुम्हारा बीच का भाग है, जो तुम्हारा नाभि प्रदेश है, उसमें तुमने क्या किए हुए है? पोषक तत्व उगा है। इसका मतलब क्या है कि तुमने हमारे लिए फसलों का उत्पादन किया है, तुमने हमारे लिए बहुत ही कष्ट सहकर अपने ऊपर हल चलाकर हमें फल फूलों से परिपूर्ण किया, हमें खाने के लिए खाना प्रदान किया है, और हम लोग आपके ऊपर ही तो आश्रित है, और जो हमारा धन धान्य है वह आपकी वजह से परिपूर्ण है, और जितने भी हम लोग पोषक तत्व है वह आपसे ही तो हमें मिलता है। इसलिए हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो भूमि है वह हमारी माता की तरह पालन करती है, और हम सब उसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र का क्या कर्तव्य बनता है? अपनी माता का ध्यान रखना, ना कि उन्हें गंदा करना और उनको दूषित करना। इसलिए हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग भी अपने पृथ्वी का ख्याल रखें एवं उसे साफ एवं स्वच्छ बनाने की कोशिश करते रहें। और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें। और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न एवं पठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। यही रहा बोध प्रश्न। यही रहा पाठगत प्रश्न 19.1। ये रहा पाठगत प्रश्न 19.2। ये रहा पठान प्रश्न, और यहाँ से उत्तरानी दिया गया है। सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ उत्तरानी में दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तरानी की सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।